नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। नगर हाट पिपलिया में नव वर्ष के उपलक्ष्य में लक्ष्य आर्मी डिफेंस एकेडमी द्वारा शहीदों के परिजनों का सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। नगर हाट पिपलिया में कारगिल युद्ध के नायक बेस्ट कमांडो ऑफ द इंडियन आर्मी का खिताब प्राप्त कर चुके हैं, भारत सरकार से महावीर चक्र प्राप्त कर चुके हैं दिगेंद्र कुमार कोबरा के मुख्य अतिथि में आसपास के क्षेत्र के शहीदों के परिजनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के सर्वप्रथम सभी अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात संस्था संचालक मोर सिंह भगत द्वारा सभी अतिथियों का पुष्पमालाओं से स्वागत किया गया। इस अवसर पर देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों पर प्रस्तुति भी दी गई। देशवासियों को मुझे आज मध्य प्रदेश की धरती हाट पिपलिया के अंदर लक्ष्य आर्मी अकेडमी जो भारतीय सेना के लिए बच्चों को तैयार करती है, मोर सिंह जो पूर्व सैनिक हैं हमारी हिंदुस्तान आर्मी के, उन्होंने जो ये लक्ष्य अकेडमी रखी है उन बच्चों से भी मिला और मुझे ऐसा लगा कि ये भारतीय सेना के लिए बहुत अच्छी चीज है जो कि सेना के अंदर भर्ती होने के लिए बच्चों को भेजा जाएगा और यहाँ के मध्य प्रदेश के बच्चे काफी सेना में जाएंगे और नाम रोशन करेंगे। सर, इस तरह की डिफेंस एकेडमी की पूरे भारत में जगह जगह पर जरूरत है, क्या सोचते हैं आप? मैं यही कहता हूँ कि ऐसी एकेडमी हर तहसील लेवल पर होनी चाहिए जिससे हमारे बच्चे फिट और फिटनेस दोनों होकर के भारतीय सेना में जाएं, ताकि उनको आर्मी का पहले से ही पता हो, ना कि जाने के बाद पता चले। तो हमारे बच्चों का जुझारू है हमारे देश के बच्चे और वो यही चाहते हैं कि हम भी जैसे मेरी तरह काम करके दिखाना चाहते हैं हर बच्चे। मेरे बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हमने चैलेंज किया हो कि जो अगली भर्ती होगी उसमें 99% मेरे बच्चों का सिलेक्शन होगा और ये हमने कसम खाई है। और हमने प्रोग्राम भी इसीलिए रखा हुआ है कि आओ नव वर्ष में करें दृढ़ संकल्प। हमने आज ये कसम खाई है कि आने वाली भर्ती में इस हाट पिपलिया का एक अलग ही नाम रहेगा। सर, आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, इस कार्यक्रम के मुख्य रूप से कौन उपस्थित हुए, क्या उनका योगदान है, थोड़ा बताएं सर। मुख्य रूप से अतिथि हमारे देश के गौरव, हमारे सम्मानी कारगिल विजेता दिगेंद्र सिंह महावीर चक्र, ये हमारे मुख्य अतिथि हैं। सर, जो दिगेंद्र सिंह जी की आज उपस्थिति आपके कार्यक्रम में रही, क्या आपके बच्चों को किस तरह का हौसला देगी इनकी उपस्थिति आज के कार्यक्रम की? इनकी उपस्थिति हमारे लिए चार चांद लगा गई है और जब इनका यहाँ पे आने का फिक्स हुआ उस दिन से हमारे बच्चे में इतना मनोबल बढ़ा हुआ है, इतना जोश है कि हम उनको कब देखें, कब उनसे प्रेरणा लें और उन्हीं की राह पे चलें। हाट पिपलिया से शाकिल मंसूरी की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।